दोस्तों पहले तो पूरे हिंदुस्तान के सभी क्रिकेट प्रेमियों को बहुत बहुत मुबारक हो। T20 वर्ल्ड कप जीत लिया हमारी क्रिकेट टीम ने, और उसके बाद मैं आपसे कहना चाहूंगा ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, यानी कि ईस्ट हो या वेस्ट हो, पूरी दुनिया में हमारे हिंदुस्तान से अच्छा कोई भी देश नहीं है, हिंदुस्तान सबसे बेस्ट है। ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, देखिए हमने जीता अभी T20 वर्ल्ड कप 2024, लेकिन 8 महीने पहले एक वर्ल्ड कप हुआ था जो कि ODI वर्ल्ड कप था, नवंबर 2023 में वो फाइनल खेला गया उसका, और वो वर्ल्ड कप जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। आपको याद होगा दोस्तों जब ऑस्ट्रेलिया ने वो वर्ल्ड कप जीता तो हमारी क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी वहां पर मायूस थे, रोते हुए नजर आए, और काफी इमोशनल कर देने वाली वीडियोस पिक्चर्स वहां से आई, जिसे देख के पूरा हिंदुस्तान इमोशनल हो गया था, क्योंकि हमारी क्रिकेट टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम थी उस वर्ल्ड कप में भी, और पूरी दुनिया में हमसे अच्छी टीम कोई नहीं थी, हमने जैसा ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेला था। लेकिन बाय लक हमारे साथ जो भी हुआ, हम फाइनल मुकाबले में हार गए वो मुकाबला, ऑस्ट्रेलिया ने जीता वो मुकाबला, लेकिन उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबला जीतने के बाद जो वहां पे किया, जो पिक्चर सामने आई वो काफी निराश कर देने वाली थी। उन्होंने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के ऊपर दोनों पैर रख के मिचेल मार्श ने वीडियो शेयर की, फोटो शेयर की, उसके बाद में मार्कस स्टोइनिस, ट्रेविस हेड सभी खिलाड़ियों ने जूते के अंदर बियर डाल के पीते हुए फोटो शेयर की, उससे पता चला कि वो लोग वर्ल्ड कप जीत गए, वो लोग खेल के वर्ल्ड कप जीत गए, लेकिन उन्हें वर्ल्ड कप की इज्जत करनी नहीं आती, वो लोग नहीं डिजर्व करते वर्ल्ड कप को, क्योंकि उस ट्रॉफी को वो डिजर्व ही नहीं करते, ना उनके अंदर कोई इमोशन है, ना उस ट्रॉफी के प्रति प्यार है, वो वर्ल्ड कप जीत गए। उसके बाद काफी हिंदुस्तानी लोग भी थे जो तारीफ कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया वेल डिजर्विंग टीम थी, ऑस्ट्रेलिया बहुत बेस्ट है, ऑस्ट्रेलिया के सामने इंडिया की टीम कुछ भी नहीं है, इंडिया कितना भी अच्छा क्रिकेट खेल ले सेमीफाइनल और फाइनल में हमेशा ऑस्ट्रेलिया हमें हराएगी। लेकिन आया 8 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप, जब ये T20 वर्ल्ड कप आया तो हमने पूरी दुनिया के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराकर वर्ल्ड कप से बाहर किया, और हमने बता दिया कि तुम्हें अगर वर्ल्ड कप की इज्जत करनी नहीं आती तो तुम डिजर्व ही नहीं करते वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेलना भी। हमने दुनिया को दिखाया कि हम तब भी बेस्ट थे 2023 के फाइनल में, हम आज भी बेस्ट है, हम वेल डिजर्विंग टीम है, पूरी दुनिया में हमसे बेस्ट क्रिकेट टीम कोई भी नहीं है। और दोस्तों हमने जीत लिया T20 वर्ल्ड कप 2024। जीतने के बाद जो पिक्चर सामने आई, रोहित शर्मा उस पिच, उस मैदान, उस स्टेडियम की मिट्टी को उठाकर खाते हुए नजर आए, उस जमीन पर माथा टेकते हुए नजर आए, उस धरती को सलाम करते हुए नजर आए, ये है हमारा हिंदुस्तान, ये है हमारा कल्चर, ये है हमारे संस्कार जो हमें दुनिया से अलग बनाते हैं। विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, पूरी क्रिकेट टीम, पूरे हिंदुस्तानी फैंस जो वहां पर मौजूद थे, वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी हमारी आंखों में आंसू थे, वो खुशी के आंसू थे, वो प्राउड के आंसू थे। उसके बाद जब वर्ल्ड कप जीत भी गए, उसके बाद ट्रॉफी को जिस तरीके से हमने सम्मान दिया, रोहित शर्मा ने अपने सर का ताज बनाया उस ट्रॉफी को, आपने देखा होगा उन्होंने एकमात्र फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर किया, वो सो रहे और उनके सर के पास ट्रॉफी रखी हुई है। सूर्य कुमार यादव और उनकी वाइफ ने एक फोटो शेयर की, सूर्य और उनकी वाइफ सो रहे, ट्रॉफी बीच में रखी हुई है, ये होता है सम्मान, ये है हिंदुस्तानी कल्चर जो हमें दुनिया से अलग बनाता है और दुनिया में सबसे बेस्ट बनाता है। तो दोस्तों दुनिया में सबसे बेस्ट और डिजर्विंग टीम इंडिया है क्रिकेट में, और टीम इंडिया ने दुनिया को फतेह करके T20 वर्ल्ड कप 2024 जीत लिया है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।